आज हम देहरादून के पास एक जगह है किमाड़ी, वहां पर आज 11 सितंबर को है। प्यारे, किमाड़ी कितना दूर पड़ता होगा देहरादून से अंदाजा? 12 किलोमीटर। तो ये किमाड़ी जो है मेरे साथी बता रहे हैं लगभग 12 किलोमीटर दूर है, और आप इस वीडियो में एहसास कर सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत जगह है यहाँ पर। और यही जो सड़क है किमाड़ी की जो आगे जाती है, ये आगे जाके मसूरी में मिलती है। तो आज हमारे साथी और मैं, हम लोग एक छोटे से क्लीनअप पे निकले हैं, और हमारे को जो एक बड़ी हमारी यहाँ डिस्कवरी हुई है एटलीस्ट इस क्लीनअप में, वो ये हुई है कि जो सबसे बड़ा प्लास्टिक पोल्यूटर हमें आज मिला है वो, तो ये पेप्सी कंपनी का लेज, ये जो पूरा ये जो पड़ा हुआ है यहाँ पर, सुनील पास आकर के आप जो वीडियो बना रहे हैं और आकर के दिखा दीजिए कि ये लेज का पहाड़ है। तो ये लेज के प्लास्टिक के कचरे का पहाड़ दून घाटी की पहाड़ियों के बीच में, और इस लेज के बाद में जो सबसे ज्यादा जो हमारे को जो पैकेट्स मिले वो, सुनील आप अपना वीडियो एक तो वहां पर जा सकता है, ये कौन सा वाला था, अंकल चिप्स का है ना ये, अंकल चिप्स भी जो है पेप्सी कंपनी का है। और उसके बाद में ये कुरकुरे, यहाँ पर ये कुरकुरे हमारे को मिले, ये भी पेप्सी कंपनी के। तो ये पेप्सी, ये कुरकुरे का पहाड़, ये लेज का पहाड़, और वहां पर वो अंकल चिप्स का पहाड़। इसके अलावा जो है ये एक और सदाबहार ब्रांड हिंदुस्तान का, वो हल्दीराम का भी एक और पहाड़। तो आज हम यहां से एक संदेश, लेस को ही नहीं, पेप्सी को ही नहीं, सभी कंपनीज को ही देना चाहते हैं कि आप लोगों को भारत सरकार के कानून के तहत प्लास्टिक वेस्ट का निस्तारण करना है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो आप लोग जो है खाली अपना माल बेचने में ज्यादा लगे हुए हैं, और आप उतना नहीं कर रहे जितना आपको करना चाहिए। इसको एक कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग, जैसे एक आई वॉशिंग होती है वैसे ग्रीन वॉशिंग। आप ग्रीन ग्रीन बातें बहुत करते हैं, लेकिन आप उतना नहीं कर रहे जितना आपको करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे भाई बंद हैं जो कि यहां पर रहते हैं, कचरा कौन फैला रहा है भाई, हम ही लोग तो फैला रहे हैं, कोई बाहर के तो लोग आ नहीं रहे हैं, कौन होगा, या तो कोई पर्यटक होगा, पर्यटक भी तो हमारा अपना ही है, या हम ही स्थानीय लोग हैं। तो यह हम लोगों के लिए भी एक संदेश है आज इस वीडियो के माध्यम से, कि जब हम सैर सपाटे पे निकलते हैं तो हम तो क्या करते हैं, हम सोचते हैं हमने तो एक ही खाली हल्दीराम का पैकेट लिया, उसको कहीं जो है हमने फेंक दिया। लेकिन ये एक एक पैकेट करते हुए आप, सुनील उधर भी उस बड़े पहाड़ को भी दिखा दो, वो एक और कितना बड़ा पहाड़ है, और ये लगभग एक घंटे की मेहनत है, और एक घंटे में ही इतना ज्यादा प्लास्टिक का, ये जो जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लास्टिक का पहाड़ इन पहाड़ियों के बीच में। तो आज यही एक छोटा सा संदेश कंपनीज के लिए, विशेष तौर पर पेप्सी कंपनी के लिए, बाकी कंपनीज के लिए, और स्थानीय लोगों के लिए भी, कि इन चीजों का हम सबको मिलकर ध्यान रखना है। और आखिरी संदेश ऑफकोर्स जो हमारा प्रशासन है, या हमारे जो नगर निगम है, हमारी ग्राम पंचायत है, उन लोगों को भी इस किस्म के कचरे को लेकर के और अधिक सजग होने की आवश्यकता है। उन्हें अपनी व्यवस्था को, जो भी वो अपने तरफ से कर सकते हैं अपने संसाधनों के माध्यम से, इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो जब हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी, बाजार की, ये बाजार है समाज की, हम लोग समाज हैं और सरकार की, जब बाजार, सरकार और समाज मिलकर के एक साथ काम करेंगे, तभी जाकर के इसके ऊपर हम लोग कुछ हद तक अंकुश लगा पाएंगे। थैंक यू।